हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर क्या कर रहे हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, लाइक करना भूल जाते हो। एंड एक और बात, तो आप में से ना कुछ लोग मुझे पूछे थे, मैं चल रही थी एक और चीज़ का शूट करने वीडियो, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी रेडी होगी, तो मुझे लगा शायद मैं बता देती हूँ। डोंट वरी, ब्लॉग ही है ये, खाना बना सब कुछ होगा इसमें बाद में, नहीं तो फिर मेकअप का ब्लॉग करके कोई कहीं भाग जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा फिरा के इसको देखो, ये कुछ साल में आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल देगी माहिका। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर रुक जा, हाँ तो फिर पता है, एक मैंने अभी नहा के आई हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाया है स्किन में, कुछ भी नहीं, बस लिप बाम थोड़ा सा लगाया और मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं लगाया, टोनर कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोग ना ये सवाल मुझे करते हैं, ना मत लगाओ। तो एक सवाल करते हैं कि आप मैं क्या यूज़ करती हूँ, उनको पता नहीं, भरोसा नहीं होता है शायद मेरे पे, मेरे बातों पे, पर कोई नहीं। ये देखो, ये मेरा पिटारा जो कि मेरा हमेशा होता है, इसमें जो मैं अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ या फिर डेली अगर ब्लॉग में थोड़ा बहुत मेकअप करते हुए देख लिया कोई फेस्टिवल में ना, वो इतने से सामान में ही होता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं करती। हाँ, कोई मेकअप का वीडियो बनाना होता है ना, तो मैं हाँ यूज़ करके दिखाती हूँ आपको ये, नहीं तो फिर मैं उतना नहीं यूज़ करती हूँ। मैं लगाऊंगी इसमें टोनर, ये मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, क्योंकि पिंपल्स का इशू थोड़े अगर किसी को होता है तो आप लोग ऐसे ये वाला टोनर आप लोग यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं करना ऐसे, ये देखो, ये देखो। स्प्रे कर लेना होता है। हाँ वो देख लिए सब लोगों ने, हाँ बात कर, दो मिनट के लिए रहने दो, फिर ऑटोमेटिक ड्राई हो जाएगा। एंड अगर आप कुछ भी नहीं लगाते लेकिन टोनर लगाना, अगर किसी का ऑयली स्किन है ना तो टोनर तो स्किप मत करना। मैंने अपना चेहरा ना बिगाड़ा था पहले बहुत, अभी थोड़ा बहुत मेरा ठीक हुआ है, कुछ सालों में ठीक हुआ है, मैं बोल सकती हूँ 5-6 साल में ठीक हुआ, नहीं तो पहले बहुत ख़राब, 4 साल पहले तो बड़ा गंदा स्किन था मेरा। तो ये हो गया। एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइजर में कोई क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, ये सीरम वाओ का यूज़ करती हूँ। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसका मैंने इतना यूज़ किया है, मैं बहुतों को मैंने बोला हुआ है कि अगर ऑयली स्किन किसी का होता है तो इसको ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ये इसको ड्राई होने दो, मैं आपको दिखाती हूँ, बस 2 पंप यहाँ पे लगा देना होता है। एंड ड्राई स्किन वालों के लिए ये काम नहीं करेगा, इतना छोटा सा ही है। ये है वाओ ऑयल फ्री उबतन फेस सीरम, मैंने लाइव में भी इंस्टाग्राम पर बहुतों को बोला था शायद, तो ये हाँ लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप, इसमें सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, पर मुझे जितना लग रहा है ना उसको यूज़ करके, क्योंकि ड्राई स्किन वालों लगाएंगे तो उनका फिर भी स्किन थोड़ा ड्राई शायद लग सकता है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है ये लगाऊंगी। फिर ना मेरा यहाँ पे बहुत सारे क्लिप्स मिस हो गए, मैंने बस इसी क्रीम लगाया था। एंड यहाँ पे लैक्मी का मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया था आई शेडो, माही ने ज़बरदस्ती मेरे में ये कलर लगवाया है, मुझे थोड़ा सा लाइट शेड लगाना था, पर कोई ना, देखो उसके भी हालत देखो क्या किया है उसने। तो यहाँ पे स्टेक वॉकी का लाइनर लगा रही हूँ, बहुत लोगों का था कि आप कैसे लाइनर लगाती हो मोना, तो देखो एक ही स्ट्रोक में हो जाता है, कोई अच्छा सा आप लाइनर बस ले लेना है आपका। मेरा वीडियो ख़त्म हो गया, बना लिया, अलग से ही बनाया है हॉल, इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि लोगों को फिर लगता है ये व्लॉग में यही सब क्यों दिखाते हो, तो मैं अलग ही शेयर कर रही हूँ, जिनको देखना होगा आप लोग बाद में देख लेना। नहीं लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही मेकअप कर लिया है मैंने, या फिर इतने दिन बाद थोड़ा तैयार हो इसी कलर से लग रहा है, पता नहीं। तो आप लोगों को ये लग सकता है कि मोना को आज इतना टाइम कैसे मिल गया, तो मोना को आज इतना टाइम इसी के लिए मिला है क्योंकि वहाँ पर कोई है काम मेरे कर दे रही है हेल्प मेरे लिए। Yeah. माही एंड वहाँ पे है ना मेरी हाउस हेल्पर आई है, वो तो आज से शुरू हो गया, तो यहीं पे है ना बालकनी में, तो उतना ज़्यादा इश्यू भी नहीं होगा मुझे, तो फिर थोड़ा वो एक अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी सच में, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था क्या करना क्या नहीं करना, वो बहुत अच्छी है वो, तो थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाएगा मुझे। साइकिल बाद में चलाएंगे, अभी थोड़ा ना चलाएंगे, धूप होगा, 9 बज जाएगा फिर ना, अभी धूप हो जाएगा, तो आज से वो आ गई हैं एंड आज से वो आएंगी सुबह, यहीं पे करके चली जाएंगी बर्तन वर्तन, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। चित्रा, हाय चित्रा, हाय इलेनी वा ननी, हाय सलवेनी, इप्पो इलेनी इंगे वा, हाँ सर है और मैं मिला, हाय हिंदी कैसे हो
ये है चित्रा मेरी हाउस हेल्पर ये पड़ी रखी है सर तमिल में पेश रहे नला पेरे ये तो मैं सोले न सोले यंगल के अन्ना में चले हम सोले केल ये पड़ी रखे ये पड़ी रखी है लारो नला रखी ला सरे आ सरे ओके वो जा रही है मैं उसको भेज के मैं फिर आपसे बात कर दियो हाँ ना ना इपड़ी बाहर इपड़ी फुल्ला मगर फुल्ला है क्या बाय एंड वो आती है ऐसे पहन के सारा कुछ अपना प्रिकॉशंस लेके आती है फिर व्यवस्था नहीं करके चली जाती है बाय चले बाय 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 टाइम बजा था करीब 11 में आई थी लंच बनाने के लिए तो यहाँ पे आपकी मे हाउस हेल्पर आके ना आपको कितनी हेल्प करके क्यों ना चली जाए आपको काम ना पूरा दिन आपका लगता ही रहेगा कितनों के साथ ऐसा होता है बताओ ये एक होता है ना कि वो थोड़ा हेल्प हो जाता है लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा काम रहता है आज मैं बताऊँगी एकदम साउथ इंडियन स्टाइल का जो उनका फेमस है रसम तो मैं बना रही हूँ रसम इसके लिए मैंने जो भी आपको दिखाया है वो सारा सामान चाहिए सब आपके घर में अभी अवेलेबल होगा बस रसम पाउडर में भी आपको लाना पड़ेगा तेल 2 चम्मच ज़्यादा नहीं उसके बाद थोड़ा सा उड़द दाल एंड थोड़ा सा सरसों लेके आपको डाल देना है एंड उसके बाद आधा चम्मच के करीब हींग एंड यहाँ पे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च आपको ऐड करना है जब वो हो जाएगा थोड़ा सा सौते टमाटर मैंने यहाँ पे 3 टमाटर ऐड किया इसमें एक्चुअली ये देसी टमाटर है तो बहुत ज़्यादा खट्टे भी होते थोड़े तो किसी किसी टमाटर कोई कोई ना खट्टा होता है कोई कोई खट्टा होता भी नहीं है तो टेस्ट आप लोग ध्यान से देख लेना नमक मैंने इसमें ऐड कर लिया है उसके बाद उसको थोड़ा सा सौते होने के लिए दे देना है आपको उसके बाद यहाँ पे बस 3 चम्मच यहाँ पे मैंने बड़े 3 बड़े चम्मच यहाँ पे रसम पाउडर एंड 1 चम्मच एक आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा पेपर पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है एंड पेपर पाउडर मेन आपको ऐड करना होता है रसम में ये लोग बहुत तरीके की रसम बनाते हैं टमाटर की रसम मैंने बनाया है उसके ऊपर आपको धनिया का पत्ता थोड़ा सा गार्निश कर लेना है उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रसम में एंड यहाँ पे इमली को मैंने भिगो के इसका पेस्ट की तरह एक बनाया था गाढ़ा सा पानी वो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऐड किया है एंड यहाँ पे हमारी रसम तैयार है कुकिंग हो गई है ये दोनों ने खाना खा लिया एंड पता नहीं मैंने आज बनाया है क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में बोलते हैं गुत्थ बोलते हैं क्या हम लोग छोटी बनाना बोलते हैं तो बहुत लोगों ने बोला कि मोना थोड़ा अपना हेयर स्टाइल चेंज करो पर मैंने स्मूथनिंग किया था ना मैं हमेशा बाल खुला रखती थी इसी के लिए पर अभी भी है पर कोई बात नहीं स्मूथनिंग के बाद ही अब ऐसे गुड कर सकते हो बट अभी टॉपिक वो नहीं है अभी का टॉपिक है ये तो आज मैंने बनाया है एक साउथ इंडियन के घर में क्या खाना होता है सिंपल सा वो लोग कर्ड खाते हैं इसके साथ साथ एंड कुकुम्बर वो ऐसे ककड़ी सलाद वलाद उतना ज़्यादा नहीं खाते आई थिंक मुझे नहीं पता हम लोग तो आदत हो गया हमारे साइड में खाना तो मैं ले रही हूँ तो वो मुझे नहीं पता नहीं खाते शायद ऐसा ये पत्ता गोभी सेम इसी तरीके से बनाते हैं बिना हल्दी के पर स्पाइसी होता है ये गरम मसाला नहीं होता कुछ नहीं होता जब मैं नहीं आती ना पक्का भी है बहुत अच्छी तरीके से जब मैं नहीं यहाँ पे आई थी चेन्नई में तो मुझे लगा कि हमारे खाने का तरीका अलग होता है ना कलरफुल होना हल्दी का कलर लाल मिर्च का कलर गरम मसाला का स्मेल आना तो हमारा थोड़ा अलग होता है तो मैं बोलती थी कि यार ये क्या यार इसका कुछ तो एक मेरा थोड़ा सा ना जैसे ब्राउन भी हुआ थोड़ा सा मैंने पकाया थोड़ा ज़्यादा एक अंदर से एक होता है नहीं थोड़ा पका के देखते और थोड़ा ज़्यादा तो हो जाता है इसके पीछे लग के मायके नहीं तो पूरा वाइट होता है जैसे मोमोज में जैसे बॉयल करके वाइट होता है ना नहीं मोमोज में भी स्पाइसी डालते हैं ना लाल मिर्च कलर तो उसमें भी आता है पर ये एकदम बिना स्पाइस के वही सफ़ेद पत्ता गोभी नहीं होता उसी तरीके से बनता है एंड वो लोग ये इसको बोलते हैं हम लोग पापड़ बोलते हैं ना तमिल में ये लोग बोलते हैं पापड़ उड़िया में बोलते हैं लेकिन तमिल में इसको बोलते हैं क्या वत्तल बोलते हैं ये लोग तो वत्तल होना उनका कंपलसरी होता है खाने में एंड खाते भी कोई कितना बड़ा शादी में भी जाओ ना तो भी आपको ये बना के वहाँ पे देते ही है अगर किसी को सर्दी जुकाम हमारे में तो नहीं हुआ होता है ना तो तमिल में ये लोग स्पेसिफिक गरम गरम चावल के साथ रसम बना के खाते हैं ये लोग बोलते हैं कि क्योंकि इसमें पेपर भी डलता है ना तो सर्दी गला सब कुछ ठीक होता है ऐसे बोलते हैं बच्चों को भी 6 महीने जैसे ही वो सॉलिड लेना स्टार्ट करते हैं तो उनका पहला होता है रसम राइस खाना उनको देना राइस को पूरा अच्छे तरीके से बना के सॉफ्ट बना के बच्चों तक को वो देते हैं रसम इतना अच्छा होता है माई को भी बहुत पसंद है ट्राई ज़रूर करना रसम आप लोग
रसम का पाउडर मिल जाता है। तो ये एक टिपिकल साउथ इंडियन के घर के, हाँ, और इसको गर्मा गर्म खाना, तभी आपको रसम का मजा आएगा खाने में एंड ये सब्जी का मजा आएगा, ठंडा अच्छा नहीं लगेगा। टाइम हो रहा था 2:30 के करीब। कोई कोई दोपहर ऐसा होता है ना जिस दिन माही सो जाती है, तो मेरे के पास थोड़ा 2 घंटे के करीब ऐसे टाइम हो जाता है, रेस्ट कर लेती हूँ कुछ ना कुछ। जिस दिन माही नहीं सोती है, मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क आई थिंक हर एक मम्मी का इस वक्त है कि उसको उनके बच्चों को एंगेज कैसे करके रखना है। एंड लड़कियों के लिए ना स्पेशली इस एज में उनको नेल पेंट, मेकअप, अपने मम्मियों का लिपस्टिक, पर्स, कपड़े, अपने मम्मियों का हील्स, इन सब में बहुत ज़्यादा उनको होता है कि देखते हैं क्या है। माही का तो बहुत ज़्यादा है, आपकी जो भी अगर बेटियाँ हैं उनको भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, शेयर करना मेरे साथ। एंड यहाँ पे कितने टाइम हो गया था यार, मैंने भी नहीं लगाया था तो सोचा कि चलो उसका भी टाइम होगा एंड मैं भी अपना टाइम पास कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। पहले क्या होता था ना, नेल्स भी बड़े बड़े होते थे, हर एक तरह के कलर मैचिंग मैचिंग करके लगा के कॉलेज भी जाया जाता था, लेकिन अब के टाइम में ऐसा होता है कि यार नाखून काट लो कहीं बच्चे को लग ना जाए। देखो मैंने मेरे पसंद का ग्रीन शेड यहाँ पे लगाया, पर माही का शेड होता है कि नहीं मामा इसके ऊपर ही आप पर्पल लगाओ, तो पहले मैंने उसको लगाया फिर मैं पर्पल लगा रही हूँ यहाँ पे। ऐसे ही होता है, देखो बच्चे जब तक नहीं होते ना आपकी पसंद आपके ऊपर चलती है, जैसे बच्चे हो जाते हैं ना जब उनकी पसंद उनके ऊपर भी होता है ना हमारे ऊपर भी आ जाता है। फाइनली शाम की टाइम 6 बजे के करीब था यहाँ पे एंड चाय तो हो गया था, लेकिन शाम के लिए नाश्ता मैं बनाने वाली थी एंड वो बहुत ही इजी सिंपल सा बनाऊंगी, लेकिन डिनर में एक साउथ इंडियन डिश ही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पता नहीं क्यों मैं आज बड़ी साउथ इंडियन सारा खाना बना रही हूँ, एक्चुअली रसम था ना तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने डिनर प्लान किया था। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिया, उसके अंदर मैंने ना ये जो चॉकलेट सिरप था वो मैंने ऐड किया यहाँ पे। अगर आपके पास कोई भी हो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी आता है तो वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। बस बच्चों को ना इसको एक बार खाने को देना, अभी तो स्कूल नहीं है लेकिन टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। माही वैसे ब्रेड खाना उतना पसंद नहीं करती है, लेकिन ब्रेड को अगर इसी तरीके से कुछ बना के दे दो ना तो वो ज़रूर खा लेती है। एंड व्हीट ब्रेड होता तो बहुत अच्छा होता, कभी कभी यहाँ पे व्हीट ब्रेड आजकल मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है। एंड ये मैं आपको बहुत पहले आई थिंक करीब वो पुराने वाले घर पे जब थी वो मैंने यूज़ किया था ये टोस्ट बनाने का, मैंने आपको दिखाया था। मुझे इतना सर दर्द देता है क्योंकि इसमें पहले तो एक होता है, फिर उसको निकालो, फिर दोबारा से एक ब्रेड को उसके अंदर रखो, फिर उसको निकालो तवे में, क्या एक साथ आप 4-5 ब्रेड डाल दो एंड ऊपर बहुत ही ईजिली हो जाता है, झटपट क्लीन करना भी बहुत ईजी रहता है। पर चलो कोई नहीं, इस पर भी अच्छा खासा ग्रिल का मार्क आता है, ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि ग्रिल वाला पैन ले लूँ, तो यहाँ पे मेरा स्नैक्स रेडी था एंड उसी के साथ साथ मैं डिनर का प्रिपरेशन भी कर ले रही थी, क्योंकि जितने जल्दी खाना वाना बना लो ना। माही अभी तो मेरा भाई था वो भी तो गया है, मे बी वो पता नहीं वो आएगा बहुत जल्दी, जब तक आएगा तब तक वो माही को थोड़ा सा ये है कि अब घर खाली खाली हो गया है। तो मैं रसम क्योंकि था उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर डिनर प्लान किया था वड़ा बनाने का। तो वड़ा रसम एक यहाँ पर डिश होता है जो लोग बना के खाते हैं, बहुत फेमस है, इवन होटल में भी वो यहाँ पर ना सर्व करते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनके मतलब शादी के बाद जब मैं चेन्नई में आई थी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता था, लेकिन अभी धीरे 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 हैबिट हो गया है। नॉर्मली जैसे वड़ा का बैटर होता है ना उसी में थोड़ा सा सूजी मैंने ऐड किया था ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो, पानी का जैसे ऐसे थोड़ा सा हाथ में होके बनाता है। वैसे मेरे हाथ से ना इतने परफेक्टली वड़े नहीं बनते, बट अभी बना बना के थोड़ा सा आई थिंक बेटर हो रहा है। लास्ट टाइम दिवाली व्लॉग में मैंने वड़े बनाए थे, अगर आपने नहीं देखा तो देखना, अगर वो वड़े देख लिए तो आप बोलोगे कि मोना तुम बड़े अच्छे वड़े बनाने लगे अभी। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है एंड अभी गर्मा गर्म रसम जो था उसको भी मैंने गर्म कर लिया था। तो नॉर्मली वड़ा रसम कैसे होता है ना, एक बाउल लेते हैं वो लोग या फिर कोई भी प्लेट में वो ले लेते हैं एंड उसी के ऊपर रसम, यहाँ पे नॉर्मली वड़ा रसम में टमाटर वाला रसम ही ज़्यादातर वो लोग बनाते हैं, उसको ऐसे बहुत सारे जैसे सूप होता है उस तरीके का ले लेते हैं एंड इसको डिप करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं जैसे वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड उसको वो लोग खाते हैं। ये है रसम वड़ा हम लोग खा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ कैमरे के सामने या तो कुकिंग करते हुए या तो फिर खाना लेके खाते हुए आ रही हूँ आजकल। एंड ये मैंने दोबारा मेरा हॉल ऐसे बार बार चेंज होता ही रहता है, मैं थोड़े दिन बाद बोर हो जाती हूँ सेम सेटअप से, फिर इधर उधर कर लेती हूँ और कुछ नहीं। फिर देखते हैं कुछ दिन तक, ये सोफा यहाँ पे मैंने ले आई एंड ये एक और टेबल को यहाँ पे लगा लिया, सारा सामान ऐसा है उसको फिर रखना पड़ेगा आज नहीं है, देखते हैं बाद में करें, क्योंकि इधर उधर मैंने किया ना तो सारा कुछ गिर गया उसके ऊपर।
एंड आप लोग जरूर ट्राई करना गाइस। हाँ, कितने को साउथ इंडियन खाना पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो सोनू ने एक्टिंग करी है आज के ब्लॉग में ना, ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे कि सोनू ने जो हाथ पे पैर पे पहना वो क्या चीज है, तो वो नी पैड बोलते हैं आई थिंक उसको, नी पैड ऐसा कुछ बोलते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो 7-8 घंटा ड्राइव करके गया ना चेन्नई से बैंगलोर एंड वो अच्छे से पहुंच गया। 2 दिन पहले ही वो पहुंच गया। 2 दिन पहले का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, ऐसे ही हो रहा है। मैं आज का ब्लॉग कल शेयर कर लूंगी, लेकिन अब तक मेरा ब्लॉग सब एक दो दिन पहले का ही मैं अपलोड कर रही थी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। अभी ठीक हो गया, बैक टू नॉर्मल हो गया है लाइफ। ना बेबी मुंह में हाथ नहीं डालते, गंदा बच्चा बोलेंगे सब। अच्छा बोलेगी हे शेम शेम माइका शेम शेम, तुम शेम शेम हो नहीं। पीकबू क्योंकि आज पूरा दिन ये भी नहीं सोई है बड़े लोगों की तरह मेरे ही साथ ही। बाय, गुड नाइट। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो। गुड मॉर्निंग नहीं बोलो, लाइक करो। बोलो बेबी, कोई नहीं करता है बेबी लाइक, कोई नहीं करता है लाइक ब्लॉग को। बोलो लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो। क्यों नहीं करते हो आप लोग? क्यों नहीं करते? गंदा हो। चलो बाय गाइस, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। गुड नाइट बच्चा, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। गुड नाइट। Good morning!